बनैन लैंड, शाबाश है जी, बनैन लैंड जाते हो, बनैन लैके आते हो, पाते हो ते पैंदी नहीं, पै जाए ते वेरी गुड, बनैन लैंड जाते हो, बनैन लैके आते हो, पाते हो ते पैंदी नहीं, पै जाए ते लैंदी नहीं, लै जाए ते दूजी बारी पाण जोगी रहती। माशाल्लाह, बनैन मैं दियांगा, बनैन मैं दियांगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी लै जाए। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टाप दी, वड्डियां नूं पूरी आवे निक्के आंदे नाप दी, चीज होवे असली ते मूहों पई बोलदी, तोपना नूं गोरी लगे रस्सी उत्ते डोलदी। It shines like a bright on the washing line. तो पुनानु गोरी लगे रस्सी उते जिन्ने बरे जाओ। अब क्या था कि मुझे मेरे वालदैन डॉक्टर बनाना चाहते थे, अल्लाह ने रखा। तो बाज डॉक्टर ऐसे होते हैं जो एक मरीज को कोई ते काम करेगी ना, और कोई वो काम तमाम भी कर सकती है। इस मौजू पर एक नज्म है, आपकी तवज्जो दरकार है। ये उर्दू में है। एक डॉक्टर से मशवरा लेने को मैं गया, एक डॉक्टर से मशवरा लेने को मैं गया, नासाजी ए मिजाज की कुछ इब्तिदा के बाद करने लगे वो फिर मेरा तिब्बी मुआयना। एक वक्फा ये खामोशी ये सब राजमा के बाद, जरबात कल्ब व नब्ज की जब कर चुके शुमार, बोले वो अपने पैड पे कुछ लिख लिखा के बाद, है आपको जो आरजा वो आरजी नहीं, है आपको जो आरजा वो आरजी नहीं, समझा हूं मैं तफक्कुर बे इंतहा के बाद। लजी लिखा है एक नुस्खा एक सीरो बे बदल, हो वह शाफी दरबारे जदीम शिफा की दुआ के बाद। अल्लाह जी नुस्खा शुरू, लीजिए नमाज फजर से पहले ये कैप्सूल, खाएं ये गोलियां भी नमाज इशा के बाद, सीरप की एक डोज भी लीजिए निहार मुंह, फिर टैबलेट ये खाइए पहली गजा के बाद, लेनी है आपको ये दवा इस दवा से कबल, खानी है आपको ये दवा इस दवा के बाद, और इनसे खलल पजीर अगर हो निजाम नज्म हजम, तुहाडा मैदा खराब हो जाए, स्टॉमिक डिस्टर्ब हो जाए, इनसे खलल पजीर अगर हो निजाम हजम, फिर मिक्सचर ये पीजिए इस इब्तिला के बाद, और फिर मिक्सचर ये पीजिए फिर चंद रोज, हाँ लाजिम है फिर जनाब ये इंजेक्शनों का कोर्स, उठे ना हाथ आपके घर इस दवा के बाद। अंदाजा विटामिन भी चंद देख, ये भी जरूर खाइए इन अदविया के बाद, छह माह तक दवाएं मुसलसल ये लीजिए, फिर याद कीजिएगा हुसूले शिफा के बाद। एक वहम था कि दिल में मेरे रींगने लगा, बड़ा अदबी मिसरा आ रहा। एक वहम था कि दिल में मेरे रींगने लगा, उनके बयाने नुस्खाए सेहत फजा के बाद, केमिस्ट की दुकान बनेगा शिकम मेरा, केमिस्ट की दुकान बनेगा शिकम मेरा, तरसीले अद्वियात की इस इंतहा के बाद। मैंने कहा कि आप मुझे फिर मिलेंगे कब, रोजे जजा से कबल के रोजे जजा के। मैं जब ये पढ़ता हूं तो लोग हंसने लगते हैं, भाई क्या मौलवी अपनी जौजा से बात नहीं कर सकता, ये कोई गैर शरई इकदाम है।
जरा मशवरा देखिए। अपनी जौजा से कहा एक मौलवी ने, नेक बखत तेरी तुर्बत पर लिखे तहरीर किस मफहूम की। ये उसे पूछ रहा है मौलवी अपनी बीवी से कि जब तू मरेगी तेरी कब्र बनेगी, उस पे हम कतबा लगाएंगे पत्थर लोहे मजार, तो उस पे क्या इबारत लिखें। ये मशवरा हो रहा। अपनी जौजा से कहा एक मौलवी ने, नेक बख्त तेरी तुर्बत पर लिखे तहरीर किस मफहूम की। अहलिया बोली इबारत सबसे मौजू है यही, दफन है बेवा यहां पर मौलवी मरहूम की। दफन है जी, दफन है बेबा, आप बड़े खुश वाली हूँ और आप भी बच्चों वाले हैं। एक बीमा कंपनी का एजेंट है और दूसरे को कायल कर रहा है। सारी पाकिस्तान की तारीख नजर आ जा। बोटी लई ते टोके दे नल कीमा कीमा कीती, एक कोफ्ता बन लगा है। बोटी लई ते टोके दे नल कीमा कीमा कीती, मेहनत करके उस कीमे दी फेर बनाई बोटी। लो काम पिया हुंदा जी, बोटी लई ते टोके दे नल कीमा कीमा की। वादी बढ़ने लगे तो बढ़ने ना दो, आगे बढ़ के और शहर बसा लो। मैं सुलेनी उठा, उसने अपना हैट उतारा, इकबाल को सलाम किया और कहा कि तुमने इतना बड़ा शहरियत का उसूल बताया है मुझे। इकबाल ने कहा ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे हुजूर ने फरमाया। आज किसी शहर में सैलाब आ जाए, जितनी ज्यादा आबादी होगी मुतासिर होगी। आज किसी शहर में जलजला आ जाए, जितनी ज्यादा आबादी होगी ज्यादा मुतासिर होगी। और अगर कोई हिरोशिमा हो, अगर कोई नागासाकी हो, तो उसका क्या हशर होगा। तो ये जो हमारे हुजूर ने बात फरमा दी है, ये इतनी अजीम बात है। हैं जी, कैसे कैसे असले बन गए, वड्डे वड्डे मसले बन गए, वड्डे शहर बसा बैठे हाँ, सारा चैन गवा बैठे हाँ, सोची पे आ हुण की करिए। रिज्क सियासत इश्क कविता कुछ भी खालस रहन न दिता, रिज्क सियासत इश्क कविता कुछ भी खालस रहन न दिता, सारी खेड मजा बैठे आ, दूध विच सिरका पा बैठे आ, सोची पे आ हुण की कर। जी करदा सी वोटा पाइए, मार्शल ला तो जान छुड़ाइए, वोटा छोटा पा बैठे हाँ, ए जमहूरी रौला रप्पा किन्ने साल हंडा बैठे हाँ, सोची पए हाँ हुण की करिए। उकता के हवसनाक निगाहों के सितम से। मुझे कहा गया था कि संजीदा शेर भी सुनाइए। पिछले दिनों मैंने एक शेर कहा कि अनवर फना पजीरी ये आलम न पूछिए, ये दुनिया फानी है। कुल मन अलैहा फान, हर चीज फानी है। अनवर फना पजीरी ये आलम न पूछिए, वो भी मरेंगे जो अभी पैदा नहीं हुए। ये भी सच्ची बात है, इससे कोई इनकार कर सकता है? तो जनाब ये एक पंजाबी की गजल याद आ गई है कि होवे पई तकसीर किसे दी, दुख पिया कोई जर्द है। दुनिया में ये अक्सर हो रहा है, कसूर किसी का है और भुगतता कोई है। होवे पई तकसीर किसे दी, दुख पिया कोई जर्द है, फुल चुक हुंदी अखियां कोलो दिल जुर्माने पर है। फुल चुक होंदी अखियां कोलो
दिल जुर्माने भरद चैन किसे थान लैन न देवे चंगा चेतर चढ़िया धुप्पे चिणका मारन लगता छावे जूसा ठरद। और शेर सुनिए, मुल्क अदम तो नंगे पिंडे आउंदे इस जहाने बंदा एक कफन दी खातर किन्ना पैंडा करता है। मुल्क अदम तो नंगे पिंडे आउंदे इस जहाने बंदा एक कफन दी खातर किन्ना पैंडा करता है। ते खबर कोई अखबारा विच नहीं उसदे बारे वेखी नहीं मालूम गमांडी मेरा जीऊंदा है या मरदा है।